नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। आज एक बार फिर हमीरपुर में नाबालिग छात्रा को दबंगों ने अपना हवस का शिकार बना लिया। मामला हमीरपुर जिले के राठ तहसील का आया है, जहां पर कक्षा 9 की 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा की पड़ोसी दबंग युवक ने घर पर घुसकर दुष्कर्म कर डाला। सरकार चाहे लाख प्रयास कर ले, लेकिन बलात्कार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मामला हमीरपुर जनपद के कस्बा राठ का है, जहां कक्षा 9 की 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा को पड़ोसी दबंग युवक ने घर में खींचकर दुष्कर्म किया। हम आपको बता दें कि बड़ी बहन के घर जा रही कक्षा 9 की छात्रा को रास्ते से अगवा कर अपने घर में एक युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़ित किशोरी कोतवाली पहुंची तो पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर खानापूरी कर दी है। वहीं पीड़ित किशोरी ने उच्च अधिकारियों को भेजे शिकायती पत्र में घटना की जानकारी देकर कार्रवाई की मांग की है। कस्बे की एक मोहल्ला निवासी कक्षा 9 की छात्रा ने बताया कि रात 10 बजे वह अपनी बड़ी बहन के घर जा रही थी, तभी पड़ोसी युवक ने उसका रास्ता रोक लिया और अपने घर में खींच कर ले गया, वहां दुष्कर्म किया। इसी बीच शोर सुनकर उसकी भाभी आ गई तो आरोपी भाग निकला। रोती बिलखती छात्रा घर पहुंची और परिजनों को फौरी घटना बताई। पीड़ित कोतवाली पहुंची तो पुलिस ने छेड़छाड़ के धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित छात्रा ने उच्च अधिकारियों को ऑनलाइन शिकायत पत्र भेजकर जाँच कराने की मांग की है। हल्का इंचार्ज गोपाल अवस्थी ने बताया कि पीड़ित के मेडिकल प्रशिक्षण में दुष्कर्म की घटना सामने आती है तो धाराएं बढ़ाई जाएंगी, घटना की जांच की जा रही है। ये सर घटना हुई है 27 तारीख को 10 बजे शाम को, और मेरी लड़की को उठा के, ये मतलब दरवाजे से निकली मेरे बच्चे को उठाने के लिए, पुलिस ने खींच के ले गया विकास और अपने अंदर के दरवाजे बंद कर लिए। लड़की चिल्लाई तो उसका मुंह डाल दिया और सर ले जाके उसने अपनी मनमानी किया, और उसने इतना गंदा काम किया कि लड़की जिस हालत में निकली थी उसकी भाभी ने देखा था, और उस भाभी ने देखने कहा। फिर हम लोगों ने थाने गए, थाने में हमारे हिसाब से रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई, अपने हिसाब से रिपोर्ट दर्ज की गई। इसके बाद हमने हमीरपुर का नंबर लगाया, हमीरपुर की पुलिस आई। इसके बाद उसने भी अपने मन का दिया है इसका कागज, उसमें भी कोई रेप केस नहीं लिखा गया है सर, ऊपर उठा होता है और ऊपर उठा होता है, रेप केस नहीं लिखा गया और ऊपर उठा होता है और ऊपर कर, इसमें कोई रेप केस नहीं लिखा गया है। और जो भी है जैसा भी, हमें इसकी जानकारी नहीं है, ना ज्यादा इतने लिखे पड़े हैं, और सर धमकाने की और धमकी दे रहे हैं कि हम तुमको मार देंगे, तुमको मैं बच्चे समेत सबको मार देंगे, जान से मार देंगे। हमारे साथ बलात्कार किया उसने।